देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। आज़ादी के 70 साल बाद भी अनुसूचित जाति के लोगों को अभी भी ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना पक्की नाली की व्यवस्था है और ना ही सड़क की व्यवस्था। बता दें कि टिमरनी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहट गांव ग्रामवासियों ने बताया कि हम इन सभी सुविधाओं से वंचित हैं। कई बार इन्होंने ग्राम पंचायत में शिकायत की जिसकी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। बता दें कि 15 सालों से ये लोग बाहर हैंडपंप से पानी ला रहे हैं और पूरी कच्ची नालियां हैं जिस कारण यहां पर मच्छर बढ़ते जा रहे हैं और कच्ची नाली का पानी सड़क पर शिरकत करते हुए पूरा कीचड़ हो जाता है जिस कारण काफी बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ता है। आए थे मगर अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस संबंध में आवेदन दिया था? कि हमने ये पानी की वजह और रोड नहीं है और मोहल्ले में नाली नहीं है पक्की, इस वजह यानी पंचायत की तरफ से उसकी सफाई नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही ना, बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या पंचायत की तरफ से कुछ आवेदन वगैरह दिया था? हाँ, आवेदन दिया था ना। क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हमारे मोहल्ले में ना तो रोड है ना नाली है और ना कुएं में पानी है। अच्छा। पानी की व्यवस्था चाहिए। इसकी शिकायत करी किसी से आपने? खूब करी हमने, जो भी यहाँ अधिकारी उनको सबको बोला, बाकी कोई सुनाई नहीं कर रहे। अधिकारी ने क्या बोले? क्या बोले? आ रहे हैं देखने, कर रहे हैं, बस ये बात होती है। कौन अधिकारी आया अभी तक? ये पंचायत तरफ से ही आया। अच्छा। सचिव सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं करी ना, नहीं करी। कितने बार बोल दिया आपने सचिव सरपंच से? हमने हाँ जो है मतलब सचिव को ही बोल दिया, सरपंच को भी बोल दिया, दो दो चार चार बार जाके उनके पास कंप्लेंट कर दी मगर कोई सुनने को नहीं। कितने दिन से है ये समस्या? ये समस्या इसको तो हो गया कम से कम 15-20 साल। 15-20 साल हो गए, अभी तक निराकरण नहीं हुआ इसका? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। खबर समय जगत के लिए टिमरनी से देवेंद्र चावड़ा की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।